हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम एंड वी आर गिवन फोर ऑप्शन। वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट अमंग दीज। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में लिख लेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्युबिलिटी एंड पोलराइजेशन। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जो ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटीज को कंपेयर करेंगे। बट इनको जानने से पहले सबसे पहले हम एक रूल को समझ लेते हैं, दैट इज फजान्स रूल। तो इसमें क्या मेंशन हुआ है कि कोई भी जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, तो या तो वो क्या होगा हमारा कोवेलेंट, और या होगा वो आयनिक। बट वो आयनिक और कोवेलेंट होगा, ये हम किसके बेसिस में कह रहे हैं, साइज ऑफ द साइज ऑफ कैटायन और एनायन। मतलब आयनिक जो बॉन्ड होगा हमारा वो कब होगा, जब हमारे पास पॉजिटिव जो चार्ज है वो लो होगा, लो पॉजिटिव चार्ज। और क्या होगा हमारे पास, लार्ज कैटायंस होंगे, लार्ज कैटायंस। तो हमारा आयनिक बॉन्ड होगा। कोवेलेंट के लिए जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, हाई पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे पास और स्मॉल कैटायन्स होंगे हमारे पास। तो ये कंडीशन हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। अब यहां से हम एक चीज और समझेंगे कि अगर जो हमारा आयनिक कैरेक्टर या आयनिक जो नेचर है वो डिक्रीज करेगा, तो हमारी जो पोलराइजेशन है वो क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी वजह से जो हमारी सॉल्युबिलिटी है दैट विल डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम सोडियम के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे हैं मेनली जैसे Na2S, CuS एंड ज़ेरेनियम। तो इसमें एस तो कॉमन है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो मेटल्स हैं उन्हें कंपेयर करना है। ठीक है, तो कैटायंस को हम कंसिडर करेंगे। तो जो ये Na+ है इसमें क्या होगा, ये एल्कली मेटल्स होते हैं और इनका जो साइज होता है वो मोस्टली स्मॉल ही रहेगा। तो ये क्या होगा, हमारा मोस्ट आयनिक हो जाएगा। सबसे पहले तो ये हमारा मोस्ट आयनिक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एल्कली मेटल्स मोस्ट आयनिक होते हैं ज्यादातर। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है Zn2+, नेक्स्ट वी हैव Cu2+। अब इसमें क्या चीज है कि जो हमारा Cu का साइज है ये कैसा है, स्मॉल स्मॉल साइज है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी पोलराइजेशन थी वो क्या कर गई, इंक्रीज। और इसकी वजह से हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज। तो अब हमें यहाँ पे ये हम Zn के कंपैरिजन में बता रहे हैं,
तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो हमारा एन ए है, एन ए टू एस, ये क्या होगा हमारा मोस्ट सॉल्युबल, और सी यू एस है जो हमारा दैट इज लीस्ट सॉल्युबल। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जेड एन एस है वो बीच में आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा ऑप्शन पे देखते हैं ये कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। तो फर्स्ट वाला तो नहीं मैच कर रहा, सेकंड वाला मैच करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।